पर नहीं, मुझे कि सत्तर मंत्र पर परवेश वर्मा जी जो कि सांसद हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर कुमार कुशवाहा जी ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही गंभीर आरोप है और सीएम केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज होकर अरविंद केजरीवाल पर भगवत मान का जो नाम पूरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, जैसे कसाब का नार्को टेस्ट हुआ था, सारी असलियत सामने आ गई थी, वैसे अरविंद केजरीवाल अगर ठीक हैं, सच्चे हैं, अरविंद केजरीवाल को खुद ही आगे बढ़कर बोलना चाहिए मेरा नार्को टेस्ट कराइए, ऐसे कुछ नहीं कहा, तब हम सब मानेंगे कि तुम्हारा विश्वास गलत है। लेकिन राघवचंद्र जी का तो ये कहना है जब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे तब तक उन्हें कोई होश नहीं आया सब कहने का, और पार्टी से निकल गए या फिर अपनी कुंडक निकाल रहे हैं, तुम्हारा विश्वास नहीं, तो पार्टी छोड़ी थी क्योंकि वो है जो देश के टुकड़े करने में अपने केजरीवाल के ऐसे ख्याल है, हिचक नहीं करेंगे उनका, जो लोग ऐसा सोचते हैं इसीलिए तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, इसी सब कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ी। एक तरफ केजरीवाल नशा मुक्त पंजाब को बनाना चाहते हैं और दिल्ली में एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है, और स्कूल या फिर मंदिर के साथ में ठेके खोले जा रहे हैं। केजरीवाल की यही तो खासियत है, वो जो बोलता है वो करता ही नहीं, केजरीवाल और आम आदमी जो बोलता है वो तो ना करता है ना कभी करता, सोचता भी बोलता ही वो है जो उसको नहीं करना होता है।